आपके जितने भी डाउट थे रिगार्डिंग DFCCIL एग्जामिनेशन के, मैंने सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर किया हूँ। आप अगर इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आपका एक भी डाउट इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नहीं बचेंगे। अब जितना भी एनालिसिस मैंने किया है, सबसे पहले मैं बता दूँ क्या बेस है उसका, 2016 में जो पेपर हुआ था, 2018 में जो पेपर हुआ है, और मेरा जो तजुर्बा रहा है 2015 से PSU का जो अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ें मैं तो आपको ये बताऊंगा, अच्छा पहली डाउट तो ये क्लियर कर दूं कि भाई अगर आपने कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं कर रखा हो, ना तो बीटेक कर रखा हो, ना आपने डिप्लोमा कर रखा है, ना आपने ITI कर रखा है, आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है BA से, BSc से या फिर BCom से, तो आपके लिए यहाँ पर टोटल 1074 में आपके 500 वैकेंसी है, मतलब 50% वैकेंसी है। और अगर आपने बीटेक डिप्लोमा कर रखा तो आपके लिए मोर देन और भी ज़्यादा सीटें आपके, तो मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बात ध्यान रखिएगा, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत सरकार की ही अपनी, मतलब बोल सकते हैं कि ब्रांच है, मतलब भारत सरकार के अंदर ही है वो, मतलब प्योर आप एक सरकारी नौकरी में ही काम कर रहे होंगे, ये चीज़ आप याद रखिए। कोई भी यहाँ पे फॉल्स बाजी नहीं है कि आप कुछ दिनों के बाद यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, परमानेंट जॉब है। इंडियन रेलवे को जो, इंडियन रेलवे स्टाफ को जो फैसिलिटी मिलती है, वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे, और भी अच्छी फैसिलिटी आपको इंडियन रेलवे से कंपेयर करके आप करते हो तो ज़्यादा ज़्यादा आपको यहाँ पे मतलब कि फैसिलिटी मिलेगी। ये तो रही बात आपको कि आप टेक्निकल किए हो चाहे नॉन टेक्निकल नहीं किए हो। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर है, सबसे पहले तो पोस्ट वाइज सिलेबस आपको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, क्योंकि हर आप, अच्छा एक और डाउट है कि आप मोर, क्या आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया है, बीटेक करने से पहले आपने डिप्लोमा किया है, तो आप डिप्लोमा का जो भी वैकेंसी है, ठीक है, डिप्लोमा लेवल पे जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो आप बीटेक वाले जितने बंदे हैं आप उस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस भी पोस्ट के लिए केवल ITI मांगा गया है, उस पोस्ट के लिए बीटेक वाले ना तो डिप्लोमा वाले, ये दोनों कोई भी एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक। और जहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक मांगा गया है, वहाँ पे केवल बीटेक वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होंगे। हाँ, अगर वो बंदा एमटेक कर रखा है आफ्टर बीटेक, तो भी वो बंदा उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। और वो कौन कौन से पोस्ट होंगे आप वेट कीजिए, मैं बता दूंगा। तो पहला यहाँ पे डाउट था कि डिप्लोमा का जो क्वालिफिकेशन मांगा गया, या फिर डिप्लोमा लेवल की जो पोस्ट है, जूनियर, सॉरी नॉट जूनियर, एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है जहाँ पे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन रखा गया है, उस पोस्ट में बीटेक वाले बंदे भी एलिजिबल है, बशर्ते कि आप उस ब्रांच से बीटेक या फिर इंजीनियरिंग कर रखे होंगे। दूसरा, पोस्ट बाई जो सिलेबस है, चाहे वो जूनियर मैनेजर का पोस्ट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट हो, चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट हो, हर पोस्ट की सिलेबस अलग है, हर पोस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके डिफरेंसेस क्या है, पूरी की पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा। क्वेश्चन का टाइप कैसे होंगे, कैसा क्वेश्चन होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, किस, अगर बात कर ले GK से कितने क्वेश्चन होंगे, कस्टमर रिलेशन से कितने क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग से कितने क्वेश्चन होंगे, मैथ्स और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन होंगे, साइंस से कितने क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चन मतलब उस टॉपिक से जो पूछे जाएंगे, कस्टमर रिलेशन से, चाहे फिर बात कर ले इकोनॉमिक्स मार्केटिंग से, मैं आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा GK में क्या पूरा आपको GK पढ़ना है, या फिर कुछ कंसाइज मैनर में ही ये PSU यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछती है, वो मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, मैथ्स रीजनिंग GK GS और आपका टेक्निकल, हर डिपार्टमेंट में आपको पेपर का लेवल अलग रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आपको टफ रहेगा और कहाँ आपका ईजी रहेगा। और आपके सेफ स्कोर कितने होते हैं 2016 और 18 के कंपेयर में, 2021 में आपके सेफ स्कोर कितने होंगे, पूरी की पूरी चीजें इस वीडियो में, एक भी डाउट आपके नहीं बचेंगे देखने के बाद, ठीक है। तो आप एक से अधिक पोस्ट के लिए भी इस फॉर्म, इस आप अगर एलिजिबल है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक कर रखा है डिप्लोमा से, तो आप बीटेक वाले पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन जहाँ पे सिंपल मांगा वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, OBC और SC ST का जो सर्टिफिकेट है, लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए 2021 में, और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो बना हुआ होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर है। तो अब हम सबसे पहले आपको मैं कुछ बता दूं पोस्ट, और इस पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं पूरी चीज़ें बताऊं, तो 2 मिनट आपके यहाँ टाइम दीजिएगा, भले ये चीज़ आपको पता होंगे लेकिन ये चीज़ आपको समझना है, तभी जाके आगे जो मैंने पूरा बताया है जो सिलेबस,
पूरा का सिलेबस का निचोड़ यहाँ मैंने बताया है कि आपको किस प्रकार से देखिए, मैंने पूरी चीज़ें बताई है, क्या लेवल होगी, क्या स्टैटिक जीके, क्या क्या पढ़ना है आपको, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ने, हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है। पहला पोस्ट मैंने लिया है JM, मतलब कि ये कोड याद रखना है, JM मतलब कि जूनियर मैनेजर। अब यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट रखा गया, एक तो सिविल, एक मैकेनिकल है, एक ऑपरेशन एंड BD है, मतलब कि जिन्होंने BTEC कर रखा है सिविल से, BTEC कर रखा है मैकेनिकल से, और भी ब्रांचेस है यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा, मैंने वो वीडियो भी बनाया है और इसका PDF भी मेरे टेलीग्राम में ग्रुप में डाला गया है, और ये PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, कुछ देर के बाद मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने BTEC कर रखा है सिविल से, या फिर आपने BTEC कर रखा है मैकेनिकल से, ठीक है, या फिर आप यहाँ बसर तो और भी बहुत सारे ब्रांचेस से, तो आप देख लीजिएगा, अगर कर रखा है तो आप जूनियर मैनेजर की पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने MBA कर रखा है और PGDBM जो भी है यहाँ पे आपने अगर कर रखा है, तो ऑपरेशन एंड BD के लिए भी आप एलिजिबल है, आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कौन से पोस्ट के लिए? जूनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए। इसका सिलेबस क्या है, अभी वेट कीजिए। दूसरा पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SNT और ऑपरेशन एंड BD, यहाँ पे पांच डिपार्टमेंट है, और पांचों में आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, अगर BTEC, देखिए अगर आपने डिप्लोमा, सिंपल देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर ले, अगर आपने केवल डिप्लोमा कर रखा है सिविल से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपने BTEC कर रखा है, ठीक है, 12th के बाद अगर आपने BTEC किया है, या फिर डिप्लोमा के बाद अगर आपने BTEC किया है, तो आप दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव की, बशर्ते कि आपने सिविल से कर रखा होगा, या फिर आपने ये किया है कि आपने BTEC किया है उसके बाद MTEC भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, या आपने डिप्लोमा करके BTEC किया और उसके बाद आपने MTEC किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल, मतलब कि हायर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी हायर क्वालिफिकेशन वाले। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल में भी, और SNT डिपार्टमेंट में भी अप्लाई यही चीज़ होता है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से BTEC किया है, MTEC कर रखा है, मैकेनिकल से कर रखा है, तो भी आप इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने BTEC नहीं किया है और ना ही MTEC किया, बट आपने डिप्लोमा से भी किया है, तो आप इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, बट इस पोस्ट के लिए BTEC अनिवार्य है सिविल और मैकेनिकल, यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, क्लियर है। दूसरी बात, अगर आप SNT का पोस्ट फिलअप करना चाहते हैं, तो दो बंदे जो जिन्होंने BCA और MCA कर रखा है, तो वो भी आप इस पोस्ट को SNT वाले पोस्ट में, एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं SNT डिपार्टमेंट में, अगर आपने BCA और MCA कर रखा है तो। और पांचवा पोस्ट, जहां पे कोई भी आपने टेक्निकल डिग्री नहीं रखा है, आपने अगर BTEC किया है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने BA किया है, अगर आपने BSc किया है, या फिर आपने BCOM किया है, तो भी आप इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। अब भैया BCA किए हों, MCA किए हैं, मत पूछिएगा, आप भी मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, बट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ये आपका अनिवार्यता है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए, नहीं सारे पोस्ट जितने भी पोस्ट है सभी में आपको 60% ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए, तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्लियर है कि कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव का, ये क्लियर है। तो आप देख लिए BTEC वाले, इसको भी फिलअप कर सकते हैं, इसको भी फिलअप कर सकते हैं। अब आइए तीसरा जो पोस्ट है आपका, और ये जो ग्रेजुएशन, सिंपल जो ग्रेजुएशन किए हैं, आप केवल ये पोस्ट का फिलअप कर सकते हैं, यहीं पे आपके 245 या 47 के आसपास सीट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का आप ऑपरेशन एंड BD में, आप आई थिंक ये इसमें आपको स्टेशन मास्टर का भी शायद कुछ कुछ पोस्ट होंगे, आपको एलोकेट किया जाएगा, और इसी में आपको साइको का भी पेपर होगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर है, वो तो खैर बात की बात है, पहला पेपर आप पहले क्लियर कीजिए। तीसरा पोस्ट आपको जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जिसे मैंने दिखाया है JX, ठीक है, JEX, और ये है आपका एग्जीक्यूटिव कोड है, और ये JEX यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जिसमें आपका है चार डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SNT और ऑपरेशन एंड BD। अगर आपने ITI कर रखा है आफ्टर 10th, या फिर आपने अप्रेंटिस कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, अब उसमें आप देख लीजिएगा PDF में इसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रिशियन भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक से भी अगर आपने ITI कर रखा है तो भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर आपने ITI कर रखा है, मतलब फीटर से कर रखा है, मैकेनिक से कर रखा है, या फिर आपने मोटर से कर रखा है, तो आप इसको इसमें भी आप एलिजिबल है SNT, या फिर आपने अप्रेंटिस भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, बशर्ते कि आपके ITI में 60% मार्क्स होना चाहिए।
या फिर आप एसएनटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई इसमें आप देख लीजिएगा जो जो ट्रेड होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, जो जो भी है, आपने अगर आईटीआई कर रखा तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आईटीआई और जो भी अप्रेंटिस किए हैं इस फॉर्म को यहाँ पर आप लोग फिलअप नहीं कर सकते हैं, ये केवल आईटीआई वाले ही फिलअप कर सकते हैं या अप्रेंटिस जिन्होंने किए वो, और उनके 60% मार्क्स होने चाहिए आईटीआई में। और यहाँ पे कोई बीटेक वाले और ना ही कोई डिप्लोमा वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये तीन पोस्ट याद रखिए, ये तीन पोस्ट। बट अब ये चौथा जो पोस्ट है ऑपरेशन इन बीडी वाला, यहाँ पे आप आईटीआई भी किए होंगे तो भी आप फिलअप कर सकते हैं, और या आपने बीटेक किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, सॉरी डिप्लोमा करने के बाद आपने बीटेक किया है या फिर डिप्लोमा करने के बाद आपने बीए कर लिया है, बीकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया, तो भी आपने आपको ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या फिर आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी किया है बीए बीएससी बीकॉम बीसीए एमसीए तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल ग्रेजुएशन वाले एक यहाँ पे भी और एक यहाँ पर भी, सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं पे है, तो टोटल 500 के आसपास पोस्ट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन पोस्ट क्लियर है भाई। अब जो है सिलेबस पोस्ट वाइज DFCCIL का जो सिलेबस है पोस्ट वाइज, अब उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला याद रखना है कि आपको कोई भी पोस्ट का आप पेपर देंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे, और केवल एक पेपर आपका होगा, केवल एक ऐसा पोस्ट है जहां पर आपको साइको का पेपर देना है, उसको रहने दीजिए। साइको मैंने पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रखा अच्छे से, तो बात की बात है वो। पहला एक पेपर आपको क्लियर करना है, 120 क्वेश्चन होंगे, बट इनको इन्होंने दो पार्ट में रखा, और इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 2 आवर का, ठीक है, 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। तो भाई अब हम बात करते हैं, सबसे पहला पोस्ट जो था जूनियर मैनेजर की, जूनियर मैनेजर बोल रहे तो जो आपका कौन कौन यहाँ फिलअप कर सकते थे, बीटेक वाले बंदे, ठीक है। जूनियर मैनेजर में जो है टोटल जो आपके एलिजिबल कैंडिडेट है बीटेक वाले और एमटेक वाले, सॉरी एमबीए वाले, यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए। तो इन्होंने जो किया है दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, पार्ट वन और पार्ट टू में। पार्ट वन में 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट टू में 96 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ऐसा मत समझिएगा कि एक दिन पार्ट वन का पेपर होगा और अगले दिन पार्ट टू का पेपर होगा, या फिर एक घंटा इसके लिए एक घंटा इसके लिए, ऐसा नहीं होगा। आपको एक बार ही बैठोगे, 2 घंटे में ही आप चाहे 10 मिनट में ये ख़त्म कर दो, चाहे आधे घंटे में ख़त्म करो, या इसको आधे घंटे में ख़त्म करो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। आपको यहाँ पे पेपर आएगा, पार्ट वन मिलेगा, 24 क्वेश्चन पार्ट वन के रहेंगे, और फिर पार्ट टू यहाँ से आपको 96 क्वेश्चन मिलेंगे एक टाइम में ही आपको, यानी 8 से 10 आपका टाइम है, तो 8 से 10 के बीच में ही आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट वन में जो 24 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 12 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल नॉलेज से, और एप्टीट्यूड और रीजनिंग से 12 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये एनालिसिस पूरे के पूरे मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग किया हूँ, कहीं भी ये सिलेबस आपको ये मेंशन नहीं किया गया नोटिफिकेशन में, बट यही रहेगा पैटर्न, याद रखना है आपको। जनरल नॉलेज से 12 क्वेश्चन रहेंगे और एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपके 12 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, आपको 4 सेक्शन केवल कवर करने हैं अभी इस पोस्ट के लिए, जूनियर मैनेजर के जो अप्लाई करें, केवल 4 पोस्ट आपको, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, और ये जो सीक्वेंस आपको फॉलो करना, 12 क्वेश्चन भी रहेंगे ना, तो सबसे अधिक 12 क्वेश्चन में स्टैटिक जीके के रहेंगे, उसके बाद करंट अफेयर के रहेंगे, उसके बाद पॉलिटी, और उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब हिस्ट्री और पॉलिटी मैंने करा रखा, हिस्ट्री मैं यूट्यूब पर भी करा रखा फ्री ऑफ कॉस्ट, और जिनको नोट चाहिए आप पेमेंट करके ले सकते हैं। पॉलिटी एकदम टू दी पॉइंट, एकदम इस एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है, नोट्स अवेलेबल है हमारा, आप सभी को पता है जो पुराने स्टूडेंट है क्या नोट्स होते हैं, एज इट इज़ NTPC ग्रुप डी ALP JEE का जो पेपर हुआ, कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ, आप सभी को पता भी है कि नोट से सारे क्वेश्चन फंसे हैं, तो जिनको करना है हमारे नोट से कर सकते हैं। बहुत जल्द स्टैटिक GK का भी कंप्लीट पैकेज आ जाएगा और करंट अफेयर का भी। अब एप्टीट्यूड रीजनिंग से 12 क्वेश्चन रहेंगे। अब इस लेवल कैसा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, टाइप कैसा रहेगा, उसके लिए वेट कीजिए, पूरा अंत तक वेट कीजिए। एप्टीट्यूड रीजनिंग में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल रहेंगे, मतलब कि बहुत इजी सवाल रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे आपको क्या क्या फोकस करना है, परसेंटेज को, प्रॉफिट एंड लॉस को, उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम और रेशियो, ये जो आपको टॉपिक बताया ये आपको करना है। बट याद रखिएगा जो आप SSC रेलवे में कंप्लीट मैथ्स पढ़ते हैं आपको पूरा कमांड होना चाहिए। 12 क्वेश्चन में आप ये 6-7 क्वेश्चन ही मैथ्स से पूछेंगे और 6-7 क्वेश्चन रीजनिंग से, पर किससे क्या पूछ लेंगे ये मैक्सिमम टॉपिक मैंने आपको बता दिए। रीजनिंग में आपको पूरा SSC वाला रीजनिंग पढ़ के जाइए, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन से भी पूछेगा एक सवाल, याद रखना है आपको। कोडिंग डिकोडिंग फिगर बेस्ड आपको क्वेश्चन रहेंगे, नॉन वर्बल से क्वेश्चन रहेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट से भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, पूरा रीजनिंग का सिलेबस आपको कवर करना होगा। बट हाँ, ये है कि ये दोनों का जो लेवल रहेगा बहुत ही इजी रहेगा। अगर आप यहाँ 12 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे पॉलिटी के नोट, हिस्ट्री के नोट
से पढ़ लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, और पेड कर मतलब जो लेना चाहता है, जिनके पास नहीं है टाइम नोट्स बनाने को, तो हमारा नोट्स ले लीजिए, स्टैटिक जी के कंप्लीट में लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्द। और पार्ट टू जो 96 जो जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, डिसाइडिंग जो पार्ट है आपका ट्रेड, अगर बात कर ले सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ से आपके ट्रेड बेसिस क्वेश्चन रहेंगे। और एमबीए वाले आपके जो मुझे एमबीए के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप एमबीए में जो भी आपने कंप्लीट मतलब कवर किए हैं, आप उससे आपके क्वेश्चन रहेंगे, और वही लेवल रहेगा जो आपके बीटेक में जो लेवल रहेगा। लेकिन इनके क्वेश्चन के कैसे टाइप रहेंगे, इसका लिए आप वेट कीजिए, वीडियो के अंत में मैं पूरा बताया हूँ हर पोस्ट के लिए कैसे कैसे लेवल के टाइप रहेंगे। तो ये क्लियर हो गया जूनियर मैनेजर का, 12 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 12 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रीजनिंग, और पार्ट टू से 96 क्वेश्चन ट्रेड से आप करेंगे। अगर आपने मैकेनिकल से किए तो मैकेनिकल से टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद प्रोडक्शन से आपके क्वेश्चन रहेंगे, कंट्रोल मैनेजमेंट से रहेंगे, ठीक है, पर सीपीएम से सारे सवाल पूछे जाएंगे। ये सारे सवाल जो आपने ट्रेड में पढ़ रखे हैं, ब्रांचेस में आपने पढ़ रखे हैं ट्रेड से। अब दूसरी पोस्ट जो है आपके एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव में अगर बात कर ले सिविल की, मैकेनिकल कोई एसएनटी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, याद रखिएगा ये जो मैंने डिपार्टमेंट मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, एग्जीक्यूटिव ईएक्स मतलब एग्जीक्यूटिव में सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, एसएनटी और इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशन यहाँ मेंशन नहीं कर रखा है क्योंकि उनका सिलेबस अलग है और इसका सिलेबस अलग है। तो एग्जीक्यूटिव में सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, एसएनटी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो आप लोग अप्लाई करोगे उसके लिए यहाँ पे भी सेम एज इट इज पार्ट वन और पार्ट टू रखा गया है। पार्ट वन में 24 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज से, 12 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रीजनिंग से, सेम एज इट इज वही रहेंगे। बट यहाँ पर जो ट्रेड का थोड़ा सा जो डिफरेंस आपको मिलेगा, जो बीटेक वाले रहेंगे उनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन का लेवल डिप्लोमा लेवल का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, तो उतने हार्ड नहीं रहेंगे क्वेश्चन, अगर बीटेक वाले स्टूडेंट को थोड़ा ईजी लगेगा। बट हाँ, ये जो लेवल रहेगा डिप्लोमा बेस्ड क्वेश्चन का जो सेट रहेगा वो डिप्लोमा लेवल, बट हाँ जूनियर मैनेजर की अगर बात कर ले इसमें क्वेश्चन का लेवल बीटेक लेवल का रहेगा, और अच्छा आपको थोड़ा सा टफ भी लग सकता है, ठीक है। और किस तरह के टाइप्स के रहेंगे क्वेश्चन वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपको तो मैं बता दिया कैसे करना, ये आपको कैसे करना, और ये भी आपको कैसे करना है। बीटेक का लेवल नहीं रहेगा यहाँ पर, डिप्लोमा का लेवल रहेगा, और आपने जो ब्रांचेस आपने कर रखा है डिप्लोमा, तो वही आपके आपको देखना है, वही आपको तैयार भी करना है। और कौन कौन से टॉपिक, कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दिया, वो टॉपिक एटलीस्ट आपको करके जाना है, ठीक है। ब्रांच की बात कर ले, वो ब्रांच में आपने वो टॉपिक करके जानी है जो वहाँ पे मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में। दूसरी जो पोस्ट है आपको एग्जीक्यूटिव में ऑपरेशन एंड बीडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये आपकी, जहाँ पे 120 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे कोई पार्ट वन और पार्ट टू का लोचा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, पूरा बाइफर्केट मैंने कर रखा है, जीके से 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से आपके 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इंडियन रेलवे हिस्ट्री इंडियन रेलवे की और DFCCIL से 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से 10 से 12 क्वेश्चन, और कस्टमर रिलेशन से 10 से 12 क्वेश्चन। ये बाइफर्केशन है आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी पोस्ट के लिए, 120 क्वेश्चन का बाइफर्केट कर रखा है मैंने आपको। तो भैया देखिए, जीके में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आपके एक या दो सवाल भी बहुत मायने रखते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है करना, 4 घंटे का वीडियो है मेरा, कर लीजिए यूट्यूब पर पढ़ा हुआ, इससे उसके अलावा आपको एक लाइन एक अक्षर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर बहुत जल्द मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, पॉलिटी कर दिया हूँ, हिस्ट्री कर दिया हूँ, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मुझे इस पर काम करनी है बस। मैथ्स में आपको पूरा एसएससी रेलवे का जो सिलेबस है वो पढ़ डालना है आपको, रीजनिंग एसएससी रेलवे का सिलेबस कंप्लीट कर देना है, और जीएस यानी कि साइंस में फिजिक्स मैंने करा रखा है यूट्यूब पर, बायोलॉजी हमारा चल रहा है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। चार टॉपिक, चार दो दो घंटे की वीडियो है, 8 से 7 घंटे में आप 4 टॉपिक कर लेंगे। एनिमल किंगडम से सवाल आपके बने हुए हैं, सेल से सवाल बने हुए आप देख सकते हैं, और केमिस्ट्री से भी मैंने बहुत सारे टॉपिक करा रखे, तो आप वहाँ से कीजिए। और अब मैं बायोलॉजी सीरीज भी कंटिन्यू करूँगा आपका सपोर्ट रहा तो। जनरल साइंस है 20 से 25, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आप देख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका एक मैथ्स वाला सेक्शन है, जीएस वाला सेक्शन है, जीके का सेक्शन हो गया, रीजनिंग 10 से 15 क्वेश्चन। इंडियन रेलवे से स्टैटिक इंडियन रेलवे आपको पढ़ना है, और साथ के साथ आपको करंट अफेयर का देखिए क्या क्या पढ़ना है रेलवे से, स्टैटिक रेलवे। एक मिनट मेरे भाई,
हाँ भाई, तो मैं बोल रहा था कि इंडियन रेलवे से आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिक रेलवे पढ़ना है, साथ के साथ करंट रेलवे में जो भी चीज़ें, आप जो कोई नई ट्रेन चली है उस ट्रेन के नाम क्या है, वो ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है, उस ट्रेन की जो अगर कोई ब्रिज बनाई गई है इंडियन रेलवे के थ्रू, तो वो ब्रिज की लेंथ कितनी है, वो कहाँ से कहाँ किसे किसे कनेक्ट करती है, आपको पूरा चीज़ रेलवे का पूरा हिस्ट्री भी जानना होगा कि सबसे पहले कौन सी ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, कब चली थी, किसके शासन के दौरान चली थी, पूरा इंडियन रेलवे। तो हिस्ट्री जो है इंडियन रेलवे का वो मैं लेकर के आने वाला हूँ। और आपका जो है करंट अफेयर जो रेलवे से रिगार्डिंग है, ठीक है, अगर रेलवे ने कोई ऐप लॉन्च किया है, रेलवे मिनिस्ट्री से चीज़ें पूछ सकती है, कोई भी चीज़ अगर उन्होंने की है, तो वो सारा कुछ आपको माइंड में सेटल होना चाहिए। और DFCCIL से भी आपके सवाल रहेंगे, देखिए 20 से 25 क्वेश्चन मैटर करेगा आपका सिलेक्शन में, ये भी आपका सेक्शन। इस्टेब्लिशमेंट आपको पूछेगा DFCCIL का, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है, MD उनके कौन है, DFCCIL के कॉरिडोर, मेन इनके कॉरिडोर, जो लेटेस्ट अभी कॉरिडोर काम चल रहे हैं या फिर कुछ कॉरिडोर रेडी हो गए हैं, कहाँ से कहाँ वो कॉरिडोर बन रहे, कितने लेंथ के वो कॉरिडोर बन रहे हैं, ठीक है, ये आपको जानना है। अगर बजट में उसके लिए कॉरिडोर की कुछ बात की गई है, तो उस बजट में कितने एलोकेशन किए गए मनी की, वो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, क्या काम अभी तक प्रोग्रेस की गई है, वो पूरा का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको कोई अगर न्यू प्रोजेक्ट अगर पास किया गया है बजट में, तो वो प्रोजेक्ट के बारे भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ के साथ इंडियन रेलवे मैंने बता दिया आपके पूरी की पूरी जानकारी, पूरे जोन के बारे पता होनी चाहिए, कितने बोर्ड है, कहाँ उसके हेडक्वार्टर है। तो हालांकि ये तो मैंने अपने इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स में करा रखा है, इंडियन रेलवे के जितने जोन है उसके हेडक्वार्टर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रखे हैं, तो जिन्होंने नोट्स लिए वो उनको कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से, 10 से 12 क्वेश्चन और बहुत ही ईजिली आप इसको मतलब कि गेन कर सकते हैं 10 से 12। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन रहेंगे, इतने टॉपिक आपको कर लेने हैं। मनी बैंक पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए, RBI के बारे, SEBI के बारे, इन्फ्लेशन के बारे, प्लानिंग के बारे, टैक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के बारे आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने बताया यहाँ नहीं लिखा है, तो मार्केट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग शब्द ही है। तो मार्केट से आपको क्या क्या चीज़ आपको पूछी जाएगी, पहले तो डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले मैं बता दूँ, इकोनॉमिक्स जिनको करना है कंप्लीट, मैंने कंप्लीट नोट्स रेडी कर रखा है भाई, आप ले सकते हैं, 60 से 65 पेज का नोट्स है, लेकिन हिंदी में, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो ले सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट है, प्लानिंग, ये जो प्लानिंग फिफ्थ मतलब कि जो पंचवर्षीय योजना हम जिसे बोलते हैं 5 ईयर प्लानिंग जो है वो पूरा है, उससे एक क्वेश्चन फिक्स है। आपके जितने रिवॉल्यूशन है, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन आपसे पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा चीज़ आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट मैंने रेडी कर रखा है। और यहाँ से इकोनॉमिक्स से 7 से 8 सवाल और मार्केट से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब मार्केटिंग में आपसे क्या पूछेंगे, डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, टाइप्स ऑफ मार्केट पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट की अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी थोड़ा सा। एक तो एरिया वाइज, एक हो गया टाइम एलिमेंट, और एक होता है कंपटीशन। अब एरिया वाइज को भी 4 भाग में हम बांटते हैं, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। टाइम एलिमेंट को भी हम बांटते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट जो होता है, शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है, एक लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है, एक वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है। एक परफेक्ट कंपटीशन में भी हम लोग कंपटीशन में भी हम लोग मार्केट को डिवाइड करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली कंपटीशन, या फिर ओलिगो पॉली में कंपटीशन। तो ये पूरा चीज डिटेल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कुछ हो सकते हैं, शायद न्यूमेरिकल फॉर्म में भी यहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं मार्केटिंग से। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको टोटल कॉस्ट निकालने पूछा जा सकता है, नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है, या फिर मैट्रिक्स वाला दे करके, ठीक है, या फिर रिसर्च पूछ सकते हैं कि क्या रिसर्च करते हैं जो बिजनेस के सेटलमेंट के लिए। मार्केटिंग के थ्रू ही चीज़ें पूछी जाएगी। कुछ करंट आपके इशू भी पूछे जा सकते हैं मार्केट से रिलेटेड, मार्केट में क्या चल रहा नहीं चल रहा, बजट पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो आपके कॉस्ट वाला जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि TFC यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, उसके बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, और एवरेज टोटल कॉस्ट, ये निकालने आपको दे सकते हैं। तो ये आपको मैं बता दूंगा कैसे निकाला जाता है, बहुत ही ईजी है। तो ये चीज़ आपको मार्केटिंग में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स का नोट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे संपर्क करेंगे वो भी मैं आपको बताया हूँ इस वीडियो के अंत में। कस्टमर रिलेशन, इसके बारे में अभी पूरा का पूरा रिसर्च नहीं किया हूँ, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे। तो भाई अभी मैं पूरा इस पर रिसर्च करके आपको बहुत जल्दी इसके बारे में मैं बताऊँगा, तो आप इस पर काम कर सकते हैं खुद भी, या फिर उसके लिए वेट कीजिए।
अब अगला जो पोस्ट है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जिसमें ट्रिपल ई मैकेनिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एसएनटी जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन बीडी, जिसमें सभी लोग अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएशन वाले भी, बीटेक वाले भी, डिप्लोमा वाले भी और आईटीआई वाले भी। तो सबसे पहले मैं आईटीआई वालों की बात कर ले, पार्ट वन और पार्ट टू है। पार्ट वन में 60 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट टू में 60 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट वन में जो 60 क्वेश्चन रहेंगे, वो 60 क्वेश्चन की हम बात कर लें, जीके, मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये चार सेक्शन केवल पूछे जाएंगे। और 15-15 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, या फिर किसी में ऊपर नीचे हो सकता है। साइंस में थोड़ा सा अधिक हो सकता है, 20 क्वेश्चन पूछ लें, 10-15 यहाँ से हो सकता है, 15-20 मैथ हो सकता है, जीके 10-12 हो सकता है। सिलेबस जीके में वही है, स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, क्योंकि 4 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया, और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। जो पढ़ लिए उनको पता है कि एनटीपीसी में किस तरह से रेलवे का जो पेपर हुआ क्वेश्चन फंसा हुआ है, और साथ के साथ आपको करंट अफेयर बस इतना ही पढ़ना है। मैथ्स, रीजनिंग आपको पूरा रेलवे का सिलेबस कवर कर देना है, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स बायोलॉजी, सबसे ज़्यादा फिजिक्स है, उसके बाद बायोलॉजी से, और उसके बाद केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स बायोलॉजी से सबसे अधिक क्वेश्चन, मतलब कि तीनों में इक्वली मान के चलिए, अगर 15 क्वेश्चन रहेंगे तो 6 क्वेश्चन फिजिक्स से, 6 क्वेश्चन बायो से, और 4-5 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से रहेंगे, ठीक है। ये होगा बाइफर्केट। और पार्ट टू में जो 60 क्वेश्चन रहेंगे ट्रेड से, ट्रेड में जो रहेंगे, आपने आईटीआई कर रखा है, लेकिन अगर आपने आईटीआई जो कर रखा है फीटर से, मोटर से, मैकेनिक से, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिशियन से, तो यहां पर आपके क्या क्या सवाल आएंगे, देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछने वाले हैं, वर्क एनर्जी पावर पूछने वाले हैं, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर मेजरमेंट, 20 सवाल यहाँ से, 20 से प्लस सवाल, यानी कि 60 में से पार्ट टू में जो 60 क्वेश्चन रहेंगे ट्रेड से, जो आपने आईटीआई से ट्रेड कर रखा है, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला जो पोस्ट है ना, जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आपके लिए सिलेबस में मेंशन है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, मशीन टूल है, इक्विपमेंट, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 20 प्लस क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्क एनर्जी पावर, हीट एंड टेम्परेचर मेजरमेंट, मेरी वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाखों व्यू गए हुए हैं, और पता है कि किस प्रकार रेलवे का जो पेपर हुआ था इस बार टेक्नीशियन और जेई में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 20 प्लस प्लस क्वेश्चन आप कर सकते हैं आउट ऑफ 60, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर लीजिए, मैं आपको नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं सारा वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की ऑपरेशन एंड बीडी में, जिसमें आपके सभी लोग एलिजिबल है, सभी लोग, ठीक है। अंतिम पोस्ट जो बचा हुआ आपका जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, जिसमें सभी लोग अप्लाई करने वाले हैं, चाहे वो आप बीटेक कर रखा हो, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है। यहाँ पे जो बाइफर्केट कर रखा है इन्होंने पार्ट वन और पार्ट टू में, पार्ट वन में 60 क्वेश्चन है और पार्ट टू में भी 60 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, जो ये 60 क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, पार्ट वन में जो 60 क्वेश्चन होंगे जीके, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस से, मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा वेटेज जीके का आपको अधिक देखने को मिलेगा, साथ के साथ साइंस, जीके और साइंस और मैथ के वेटेज आपको अधिक मिलेंगे, क्योंकि पार्ट टू में जो 60 क्वेश्चन है वहाँ पर भी आपको रीजनिंग इंक्लूड यहाँ इन्होंने किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा रीजनिंग कम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी रीजनिंग है और यहाँ पर भी रीजनिंग है, तो यहाँ पर वेटेज जो है जीके, मैथ, साइंस का अधिक होगा कंपेयर टू रीजनिंग, ठीक है। अब जीके में भी मैंने जो बताया है अभी आपको यहाँ पर पे, जो पूरी की पूरी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे जो बताई आपको, ठीक है, जीके में क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसे पढ़ना, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग, जो साइंस, जो मैथ रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपका रेलवे का है, साइंस में आपको ये तीनों, और हमारे चैनल के थ्रू आप ये करिएगा तो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रेलवे के हमारे चैनल से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड है और बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हो रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपका सेक्शन यहाँ से 60 क्वेश्चन, और साथ के साथ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे DFCCIL का हिस्ट्री, और उससे करंट के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, उसमें क्या क्या अभी जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कितने किलोमीटर तक कॉरिडोर बनाया गया है, कहाँ से कहाँ तक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बजट में कुछ चीज़ें पास की गई हो, और उसके बाद सबसे अधिक इंपॉर्टेंट देखिए इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग से कितने अधिक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सोच सकते हैं यहाँ से टोटल 60 क्वेश्चन आपके बनने वाले, तो आप बिल्कुल अनुमान लगा लीजिए अधिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, रेलवे और DFCCIL से। DFCCIL से क्या रहेंगे रेलवे, इंडियन रेलवे में, इसका पूरा नोट्स आपका रेडी कर दूंगा, इकोनॉमिक्स का रेडी है, मार्केटिंग पे काम करना है और कस्टमर रिलेशन के ऊपर में, ठीक है। साथ के साथ आपका रीजनिंग भी आने वाला है, तो रीजनिंग आप कर लोगे खुद ही, SSC और रेलवे का जो सिलेबस है।
तो 60 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से भी 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से, इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप यहाँ पे आपने अभी सारी चीज़ें देख रखे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई जो NTPC का पेपर देने वाले, CBT 2 का, ग्रुप डी का, तो भाई इकोनॉमिक्स का नोट्स हमारा ले लीजिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैंने जो नोट्स कम से कम 10 से 15 पेज में पूरा चीज़ कहीं से भी, मतलब जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरा डिटेल सारी चीज़ें कवर की मैंने, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा आपके एग्जाम में। देखिए टेक्निकल पेपर की सबसे पहले बात कर ले, जो टेक्निकल पेपर रहेगा मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, या फिर आपके ITI का जो ट्रेड होंगे, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मोटर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, वायरमैन एक्सेट्रा, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, बट उसके पीछे जो कंसेप्ट होगा आपका, कितना अच्छे कंसेप्ट आपका क्लियर है वो चेक कर लिया जाएगा। साथ के साथ फॉर्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। थ्योरेटिकल में जो क्वेश्चन रहेंगे आपके कंसेप्चुअल, लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आपके कितने अच्छे कमांड है, कंसेप्ट आपका कितना क्लियर है, बस यही PSU आपका हमेशा चेक करता है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल कंसेप्ट क्वेश्चन आपको एकदम, आपका टॉपिक पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस की फोर्स कैसे अप्लाई करनी है, चाहे स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में पूरा चीज आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है टेक्निकल पेपर में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो मैकेनिकल और फिटर मोटर मैकेनिक्स वाले जो है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, और जो मैंने वीडियो बताया है आप उसको देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेड इजी का हैंडबुक एक आता है उसको ले लीजिए, पूरा फॉर्मूला आपको वहाँ मिल जाएगा, कई सारे क्वेश्चन तो आपको वहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ में जो लेवल रहेगा ईजी, टेक्निकल पोस्ट जितने हैं, मतलब जहाँ पे BTech डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, वहाँ पे जो मैथ का लेवल रहेगा बहुत ही ईजी रहने वाला है। बट जो पोस्ट मैंने ग्रेजुएशन, जिसमें बोला कि सिंपल ग्रेजुएट वाले बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जो मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव रहेंगे और थोड़ा मॉडरेट। और क्या क्या रहेंगे मैथ आप सभी को पता है, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन एंड बोर्ड, मतलब SSC रेलवे का जो सिलेबस है, ठीक है। रीजनिंग आपके ईजी रहेंगे, GK जो है फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब ज़्यादा फोकस इनका स्टैटिक पोर्शन पे होगा। साथ के साथ साइंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अधिक आपको देखने को मिलेंगे, तो मैंने बता दिया GK आपको कैसे करना, साइंस कैसे करना। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से बहुत ईजी क्वेश्चन, मतलब मेरे नोट्स अगर आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ लिए तो 6-7 क्वेश्चन जो आएंगे आपके उस नोट से बाहर नहीं आएंगे। और मार्केटिंग का मैं पूरा कंप्लीट नोट्स जल्दी लेकर आऊँगा। उसके बाद आपके कस्टमर रिलेशन ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, इसके ऊपर रिसर्च अभी पूरा नहीं किया हूँ तो मैं आपको इसके ऊपर नहीं ज़्यादा नॉलेज दूंगा, आप इस पर खुद रिसर्च कर सकते हैं। जब तक सेफ स्कोर देखिए, 95 प्लस आपका सेफ स्कोर होगा, भाई तगड़ा यहाँ पे कंपटीशन है इस एग्जामिनेशन को लेकर, याद रखिएगा। अब एक चीज़ याद रखना आपको सबसे पहले, कि सबसे मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करना विथ एक्यूरेसी के साथ, ये नहीं 95 में स्टिक हो जाना, 100 भी आप मतलब अटेम्प्ट कर रहे हो अगर एक्यूरेसी के साथ तो बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए। मतलब अगर पूरा सेफ जोन में रहना है तो 90-95 प्लस अगर आपके मार्क्स आएंगे तो बिल्कुल सेफ जोन में आप मान सकते हैं कि आपकी जॉब पक्की है, क्योंकि तगड़ा यहाँ कंपटीशन है। सीटें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ये जॉब है, पहली बात तो ये ऑल ओवर इंडिया जॉब है, और दूसरी बात ये कि आपको 40% कम से कम लाना है Part 1 Part 2 दोनों को मिला करके, ठीक है। मतलब 120 में Part 1 Part 2 मिला के कितना मार्क्स हो रहा है, 120 क्वेश्चन, तो उसके 48 मार्क्स कम से कम आपके रहने चाहिए दोनों पेपर Part 1 Part 2, मतलब 20 Part 1 में लाए तो 28 कम से कम उसमें 48 मार्क्स होने ही चाहिए जनरल वालों के लिए, अगर इतने नहीं है तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, ठीक है। और अब देखिए इकोनॉमिक्स जिनको भी हमसे कंसल्ट करना, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं नोट्स की रिगार्डिंग, और आप सबको पता है नोट्स बिल्कुल मलाई ही होगा वो। इकोनॉमिक्स के नोट्स जिनको चाहिए, इंडियन पॉलिटी के नोट्स, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, इंडियन हिस्ट्री से बना सकते, वर्ल्ड ज्योग्राफी यूट्यूब पर अवेलेबल है, इंडियन ज्योग्राफी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, हिंदी में सारी चीज़ें आप जिनको लेना है आप ले सकते हैं। साइंस वीडियो इन यूट्यूब पर, उनका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहां से फॉलो कर सकते हैं। मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन का नोट वेरी शून, मैं उसको रेडी कर लूँगा, जिनको कॉन्टैक्ट करना है आप यहां से इस नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, केवल आपको लिखना है DFCCIL, बस इतना आप लिख करके मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पेड नोट्स होंगे बहुत ही कम कीमत में, मतलब कि वाकई जो मलाई आपको चाहिए वो मलाई ही वहाँ पर रहेगा आपको, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और बायोलॉजी अभी यूट्यूब पर चल रही है, फिजिक्स मैंने यूट्यूब पर करा रखा है पूरा चीज़, काफ़ी न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल सब कुछ। कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ से बने रहिए इस चैनल में, और आप सभी को पता है कैसा कंटेंट आता है। जो नए बंदे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो सारी डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी इस वीडियो में। अगर कोई भी डाउट अगर बचता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्द 3000 के आसपास पोस्ट आने वाली ALP की DFCCIL में, ठीक है? तो उसके लिए भी हम लोग लगे रहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।